और दोस्तों नमस्कार, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर पिछले 6 सालों से लगातार संघर्ष प्रयत्न प्रयास सभी प्रकार की जद्दोजहद की जा रही है ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हो जाए। लेकिन यहाँ पे मुख्यतः मूल जो प्रश्न है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की कि पेंशन में वृद्धि कब तक होगी। पहले नंबर बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक पूर्ण रूप से कमांडर अशोक रावत जी के साथ दे रहे हैं या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का साथ दे रहे हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सबसे बड़े हमदर्द चहेते वही हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके बड़े बड़े बात वो कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े अनशन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि बुढ़ाना महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन आज तक चल रहा है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मुलाकात उनकी हुई। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में और पिछले 6 सालों से उनके संघर्ष को भी हम अगर देखते हैं, दोनों चीजों को देखने के बाद में एक बात सामने निकल के आती है कि अगर इतना बड़ा संघर्ष कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा किया जा रहा है या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा किया जा रहा है, इसके बावजूद भी पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो समस्या यहाँ पे ये आती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि कमांडर अशोक रावत जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ में जो वादे करते हैं उन वादा जो तो पूर्ण नहीं होता है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि पेंशन फॉर्मूला भी आया है जिसपे बातें हो रही हैं, साथ ही साथ में संसद के इसी सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बातें हुई हैं, नई चर्चाएं हुई हैं, वो भी एक उम्मीद जगी है जहां पे देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात है कि 25,000 दूसरे संस्था के ईपीएस 95 पेंशन धारक भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम में जुड़े हैं, तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी होती चली जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने कमांडर अशोक रावत जी का भाषण भी आप लोगों को दिखाया था जिसे आप लोगों ने देखा था, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर वहां जोर जोर से बातें की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा याद दिलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने की एक बार और फिर से कोशिश की जा रही है। यहाँ पे माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में फिर से एक बार मुलाकात हुई है, कमांडर अशोक रावत जी के उनके टीम को विशेष रूप से इसमें मैं बधाई देना चाहता हूँ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर लगातार संघर्ष प्रयत्न प्रयास सभी प्रकार से जारी है। कमांडर अशोक रावत जी फिर से एक बार विजिट करना चाहते हैं, दौरा करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके माननीय रजावत जी ने एक बड़ा ऐलान किया है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेके उन्होंने कहा है अपने भाषण में कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारक फिर से एक बार बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार फिर से बड़ी आंदोलन बड़ा तैयारी कर सकते हैं, बड़ा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और रही बात आपको मैं बता दूं कि बुढ़ाना महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन बंद होगा अथवा नहीं होगा, तो वो बंद होने वाला नहीं है जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाती तब तक। इस बार का जो अनशन है, इस बार का जो उनका प्रयास रहेगा बुढ़ाना महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली में होगा और इस बार का आमरण अनशन करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, क्योंकि उनका कहना ये है कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मौत हो जाए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो उन्होंने सामने रखा है उन सभी बातों को भी अगर ध्यान में रखें तो इस बार कमांडर अशोक रावत जी बड़े पावरफुल तरीके से तैयार होके जाना चाहते हैं, एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर अपना एक बड़ा ऐलान जो तो किया है। देखना यह है कि कब तक करते हैं कमांडर अशोक रावत जी या माननीय रजावत जी। और सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कब तक करें, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का इंतजार भी काफ़ी लंबा हो चुका है, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द पेंशन की राशि दी जाएगी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।